गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ कोमल सहानी, सीनियर लेक्चरर CDDM, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है कास्टिंग ऑन मैथड एंड हाउ टू निट एंड पर्ल। तो आज हम सबसे पहले जब हम निटिंग करते हैं, हैंड निटिंग, तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो होती है नीडल्स हैं हमारी, ये निटिंग नीडल्स हैं और ये सिंगल पॉइंटेड नीडल्स हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक नॉब है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे इनके नंबर्स लिखे हुए हैं मिलीमीटर्स में, जिसे हम मेट्रिक मेथड कहते हैं, और ये हमारा इंपीरियल मेथड है, इंपीरियल नंबरिंग है, यानी कि 8 नंबर। तो जैसे ये मिलीमीटर में है तो इसमें यहाँ पे मेंशन है। तो और उसके लिए, निटिंग के लिए हमें वूल चाहिए और हम आज कास्ट ऑन मेथड सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंगल पॉइंटेड नीडल लेंगे और इसमें हम फंदे डालेंगे। जो जब फंदे हम डालते हैं तो उस विधि को कहते हैं कास्ट ऑन मेथड, तो या फिर कास्टिंग ऑन। तो जब हम कास्ट ऑन करते हैं तो हम लेफ्ट हैंड नीडल पे कास्ट ऑन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कास्ट ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा सबसे बेसिक मेथड है कास्टिंग ऑन का। तो कास्टिंग ऑन के लिए हमें जितनी फंदे डालने होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको हम उतना ही लंबा जो है वो धागा लेंगे इस एंड से, ठीक है। उसके बाद हम इसका एक लूप बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये हम इस तरह से स्लिप लूप बनाएंगे। ये देखिए, मैं दोबारा बना के आपको दिखाती हूँ। इसको हमने यूँ लिया, यूँ करके और यूँ ले लिया, ठीक है। और इस लूप को हमने इस लेफ्ट हैंड नीडल के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया इस तरह से। अब ये बिल्कुल टाइट हो गया है, हमने इसको लॉक लगा दिया है। ये कास्टिंग ऑन का हमारा सबसे पहला हमारा स्टिच है, जिसे हम फंदा भी बोलते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टिच, ठीक है। एंड कास्टिंग ऑन जो है या कास्ट ऑन है वो हमारी फर्स्ट रो ऑफ द निटिंग कहलाती है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस ये हमारा बेस है किसी भी निटिंग का, ठीक है। तो इसको अब बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, वी गोइंग टू बेसिक मैथड है हमारा थंब मैथड। सो हमने इसको यूँ लिया, देखिए, फिर हमने इसको यूं किया और यूं करके हमने इन दोनों को पुल कर दिया, ठीक। वापस से थंब मेथड में हमने इसको यूं लिया, फिर हमने इसको यूं लेके और इस लूप को नीचे कर लिया और हमने इसको पुल कर दिया। वंस अगेन देखिए, ये हमने इस तरह से लिया, देख सकते हैं आप इस तरह से। ये लेने के बाद इसको यूं किया और ये जो लूप है जो हमने पहले बनाया था उसको नीचे नीडल से ड्रॉप कर दिया। वंस अगेन यूं कर दिया। अब हम इसको फिंगर से भी कर सकते हैं, अगर आपको जिसमें कन्वीनियंट, अगर हम अंगूठे से नहीं कर पाए तो आप फिंगर से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, फिर वापस इसको यूं किया। अब आपको जितने फंदों की आवश्यकता होती है उतने हम फंदे कास्ट ऑन कर लेते हैं। ये जो कास्टिंग ऑन में जो स्टिचेस होती हैं ये काउंटेबल होती हैं, ये गेज के आधार पर होती है, देन हाउ मेनी स्टिचेस विल बी रिक्वायर्ड इन वन इंच। अगर एक इंच में अगर 6 स्टिचेस हैं तो हम जितने इंच का भी कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे मुझे अगर 6 इंचेस का मफलर का विड्थ लेना है तो, और एक इंच 1 इंच में अगर 6 स्टिचेस आते हैं तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6, सो 6 6 36 हो जाएगा। 6 इंचेस मींस 36 स्टिचेस अपन को कास्ट ऑन करने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर 10 इंचेस का अगर मुझे विड्थ रखनी है मफलर की, देन आई एम गोइंग टू ऐड 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 60 स्टिचेस। तो इस तरह से ये काउंटेबल होता है। तो इतनी हमने जैसे ये स्टिचेस डाल दी है, अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं बिल्कुल कि यहाँ पे ये डायगनल लाइंस बनती हैं। ये जो मैंने कास्ट ऑन किया है ये मैंने अपने लेफ्ट हैंड से कास्ट ऑन किया है।
एंड जब हम निटिंग करेंगे तो हम इस साइड से करेंगे एंड दिस इज़ द रोंग साइड. आप ये देख सकते हैं, ये रोंग साइड. आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटे से पर्ल्स बन रहे हैं ये. तो ये हो गया हमारा रोंग साइड. ये मैंने रिवर्स टॉकिनेट के लिए किया है. ठीक है, जब हम कास्ट ऑन कर लेते हैं फंदे तो अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं. इस जगह पे हम इसको नॉट लगा देंगे नीचे की तरफ. ये तो क्या होगा, हमारा जो फंदा है वो खुल सकता है. इसको यूं किया, नॉट लगाने के बाद जो ये एक्स्ट्रा होता है ये हमारा सीमिंग के लिए काम में आता है. तो इसको हम क्या करते हैं, इसकी बटरफ्लाई बना लेते हैं. ठीक है, इस तरह से. और ये एक्स्ट्रा जो बटरफ्लाई होता है ये हमेशा होना भी ज़रूरी है. ये देखिए इस तरह से हमारा बटरफ्लाई बन जाता है. फिर हम इसको निट करना शुरू करते हैं. अब निट करने के लिए हमें क्या करना है, ये मैंने रिवर्स टॉकिनेट के लिए लिया है. तो रिवर्स में क्या होता है, ये रॉन्ग साइड है तो रॉन्ग साइड में हम सबसे पहले पर्ल करेंगे. तो रॉन्ग साइड से पर्लिंग का मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था अपने ई लेक्चर में, कि जब निट करते हैं तो हम हमेशा फंदे को आगे से ऐसे पीछे की ओर घुसाते हैं नीडल को, और जब हम पर्ल करते हैं तो पीछे से आगे की ओर. यूँ लेते हैं धागे को, यूँ लेंगे और फंदा निकाल के इस फंदे को ड्रॉप कर देंगे. देखिए वापस से कर रही हूँ मैं, इसको यूँ लिया और इसको यूँ किया, इसको यूँ लिया तो ये हमारी हो गई पर्ल. इसे हम कहते हैं पर्ल रो. अगर हम इसको एवरी रो अगर हम पर्ल करेंगे तो हमारा गार्टर स्टिच बन जाएगा, और अगर हम एवरी रो वो करेंगे निट करेंगे तब भी गार्टर स्टिच बन जाएगा. और ये हमारा लास्ट फंदा था और ये भी हमने इसको पर्ल कर लिया. अभी यहाँ पे अभी पर्ल करने के बाद देखिए मैंने इसमें पर्ल एंड निट भी किया. अब हम करेंगे निट ऐसे. तो अब निट करने के लिए हम फंदे को, अब देखिए फंदे में नीडल को आगे से पीछे की ओर ले जाएंगे. तो ये हमारी राइट हैंड नीडल से हम कर रहे हैं. ठीक है, अब हमने इसको नीचे से यूं लाए और इसको हमने निट कर दिया. ये देखिए इस तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे. ये देखिए, तो आपने ये देखा कि ये निट है और वो जो हमने पहले किया था वो हमने पोल स्टिच से किया था. ये निट स्टिच है और वो पोल स्टिच है. अब आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरह से आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारी वेल्स हैं और ये जो बैक साइड में है ये हमारे कोसेस हैं. देखिए ये हमारे कोर्स हैं, ये कोर्स एंड ये है हमारी वेल्स. तो ये इस तरह से हमारी प्रक्रिया करेंगे. और ये हमारा जो बेसिक स्टिचेस है जो निटिंग में यूज़ होती हैं, सबसे पहली वाली स्टिच है जिसे हम कहते हैं स्टॉकिनेट स्टिच या स्टॉकिंग स्टिच. ठीक है, तो वन रो पर्ल एंड वन रो निट करके हम इस तरह से स्टॉकिनेट स्टिच को बनाएंगे. और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये मैंने छोटी नीडल्स पे बनाया है. ये देखिए
और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये पूरी वेल्स हैं। वेल्स हमें हमेशा वर्टिकल लाइंस में दिखाई देती हैं। और ये हमारा है, ये देखिए कोसेस हैं, ये रहा। तो जब हम इसको, ये वाला साइड जब हम यूज़ करते हैं निटिंग में, ये विजिबल करते हैं, तो ये कहलाता है हमारा स्टॉकिनेट स्टिच, ठीक है। और जब हम अपनी निटिंग में ये वाला हाईलाइट करते हैं, इसे हमें राइट साइड करते हैं, तो ये कहलाता है रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच। केवल ये होता है कि हमारी यहाँ की जो रो है वो बदल जाती है, वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये निटिंग करते हैं। अब बस इसका ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि ये कर्ल हो जाता है। तो ये क्या होता है, ऐसे भी कर्ल होता है और ऐसे भी कर्ल होता है, दोनों साइड से होता है, ठीक है। लेंथ वाइज भी कर्ल होता है एंड विड्थ वाइज भी कर्ल होता है ये स्टॉक। और ये सबसे बेसिक स्टिच है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टिच सिखाऊंगी। तो आज हमने जो मशीन नेटिंग में जो दो तरह की स्टिचेस यूज होती हैं, वो मैंने आपको बता दी है, ये स्टॉकिनेट एंड रिवर्स स्टॉकिनेट। और हमने आज कास्टिंग ऑन मेथड भी सीखा है, आप ये देख सकते हैं इसको, और ये इसकी बटरफ्लाई है, ठीक। ओके, थैंक यू।